इन धर्मांध पापियों से बेटियों को आजाद करना होगा। ये सच्चाई है, ये समाज का आईना है, और जब आप समाज का आईना दिखाते हो, सच्चाई दिखाते हो, तो कई बार बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है कि सच कड़वा होता है। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी और आज हमारे साथ है स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी, सब टीवी, इन सब का जाना पहचाना चेहरा, जो अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो में जब जमुनी नाम की लड़की का किरदार अदा करती है तो सफलता का परचम लहरा देती है। जब वो मर्यादा लेकिन कब तक की विद्या बनती है तो बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस का अवार्ड ले जाती है। टीवी सीरियल दिया और बाती की प्रेमा हो या अब नो कन्वर्जन में एक टीजर से छा जाने वाली गंगा के घाट पर खड़ी होकर नो मोर कन्वर्जन कहती एक मासूम सी लड़की हो, इस मूवी में उनका नाम क्या है पता नहीं, चलो उन्हीं से पूछते हैं। वैसे इस चेहरे का नाम है विंध्या तिवारी। दूसरा उनके साथ जुड़ चुकी है देश के दुश्मनों की आँख की किरकिरी और नो कन्वर्जन की ब्रांड एम्बेसडर काजल हिंदुस्तानी जी। तो सबसे पहले दोनों देवियों का रंग दे बसंती के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राजीव जी। नमस्ते राजीव जी, थैंक यू हमें फिर से बुलाने के लिए। विंध्या जी पहली बार आ रही है आपकी चैनल पे जी। हमारा पहला सवाल विंध्या जी से है। विंध्या जी, इससे पहले आपने जी टीवी, सोनी, बिंदास, स्टार प्लस, सब टीवी के अनेकों सीरियल्स में काम किया। ना केवल काम किया बल्कि जो करेक्टर आपको मिला आपने उस करेक्टर को रुपेले पर्दे पर जिया, सफलता और शोहरत का कई परचम लहराए। आपके पास ना नाम की कमी थी ना काम की, फिर भी आपने एक ऐसे विवादास्पद विषय को या रोल को चुना जिसे कोई भी टच करता हुआ डरता था, तो एक कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, मैं अभी तक टेलीविजन ही कर रही थी और आपको पता है कि मेरी पहली फिल्म है, तो हमेशा पहली फिल्म बहुत खास होती है। तो मैं सोचती थी हमेशा कि एक मैनिफेस्टेशन करती थी कि क्या होगी वो मूवी जिससे मेरी शुरुआत होगी। बट आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि ये मुद्दा रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है, ये समाज का आईना है, और जब आप समाज का आईना दिखाते हो, सच्चाई दिखाते हो, तो कई बार बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है क्योंकि सच कड़वा होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि इस मुद्दे के साथ मेरी मूवी आ रही है और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि ये जो सच्चाई है हम इस फिल्म के जरिए बिल्कुल अच्छे से दिखा रहे हैं। विंध्या जी, हमारे दर्शकों के मन में एक छोटी सी जिज्ञासा है कि इस मूवी में आपका नाम क्या है? साक्षी मिश्रा। विंध्या जी, आपने बतौर एक एक्ट्रेस सबसे पहले अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो में जमुनी का किरदार निभाया था और अब साक्षी मिश्रा का, तो मैम दोनों में कितना अंतर है? बहुत। देखिए, जब मैंने जमुनी का रोल किया था तो मैं उस वक्त टीनेजर थी, मतलब शायद 16-17 साल की थी मैं, 16-17 साल की, और अब मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझती हूँ और उस रोल को किए हुए 2 साल हो गए। तो ऑफकोर्स उस वक्त करियर शुरू किया था बहुत ही जब हम बहुत छोटे होते हो तो आपको बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं होती है जानने की और आप बस करते हो। तो ऑफकोर्स एज अ पर्सन मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज भी होने दिया है, क्योंकि मेरी मम्मी ये कहती है कि अपनी इंडिविजुअलिटी हमें खत्म नहीं करनी चाहिए, हम जैसे हैं वैसे रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो अभी भी वो इनोसेंट लड़की है मेरे अंदर, वो आपको साक्षी मिश्रा के तौर पे दिखेगी जो मैंने जमुनी का रोल किया था या फिर मर्यादा शो में विद्या का रोल किया था, वो जो एक इनोसेंस है, जो वल्नरेबिलिटी है, वो अभी भी आपको दिखेगी इस रोल में भी दिखेगी। मैम, जैसे आपका जन्म ही वाराणसी का है और नो कन्वर्जन मूवी की पूरी शूटिंग भी वाराणसी में हुई, तो शूटिंग के टाइम कितना लाभ इसका आपको मिला? देखिए, पहले तो ये बड़ा सरियल सा रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि जिस जगह मैंने क्रिकेट खेला है दिल्लियों में और जिस जगह मैं इतना घूमी हूँ, संकट मोचन टेम्पल हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे कोई भी घाट हो, 80 घाट हो, चाहे कोई भी जगह हो, तो हर जगह की मेरी कहानी है। बचपन मेरा पूरा बनारस में ही बीता है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि काशी विश्वनाथ जी का मुझे आशीर्वाद मिला और अपनी पहली फिल्म में ही पूरी शूटिंग बनारस में। मुझे घूसबम्स आ गए सबको घूसबम्स आएंगे कि कितनी सरियल सी बात है कि ये सच में बाबा का आशीर्वाद है, हनुमान जी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, भगवान जी से मैंने जो भी मांगा है मुझे हमेशा भगवान ने दिया है। तो मुझे लगता है कि ये उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है जो मैं अपनी पहली फिल्म की जर्नी मेरी वहीं से शुरू हुई। विंध्या जी, आपने जिस विषय को लेकर नो कन्वर्जन मूवी में अपनी भूमिका अदा की, ये हमारी राजनीति से लेकर समाज तक एक चर्चा का विषय रहा। अखबारों में कहीं ना कहीं हर रोज एक दो खबरें जरूर होती है
टीवी स्टूडियो में बहस होती है, कानून तक इस पर बन चुके हैं, तो मैम इसमें आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगी या एक आम लड़की को इससे क्या संदेश जाएगा? देखिए मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे हर जगह मतलब जितनी सोशल मीडिया साइट्स हैं इतने मैसेजेस आ रहे हैं और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब लोग करेंगे और ऑलरेडी लोग शेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना टाइम हम वेट नहीं कर सकते, एक महीना और नहीं इंतजार करेंगे, अभी रिलीज कीजिए मैम. That's very cute. I think every हमने जो करना था अपनी परफॉर्मेंस एज एन एक्टर हमें जो करना था वो हमने किया है और पूरी ऑनेस्टी के साथ. आई थिंक जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं बहुत मेहनती लड़की हूँ. जो भी मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है उसमें मैं बहुत डेडिकेशन, बहुत पैशन और बहुत मेहनत किया है. और इस फिल्म में भी जब आप देखेंगे ना तो कहीं भी ग्लिसरीन का उपयोग नहीं है. ये लड़की जितनी बार भी रोएगी आई एम श्योर लोगों को उसकी पीड़ा बिल्कुल दिल से समझ में आएगी और लोग साक्षी मिश्रा के साथ जुड़ेंगे. बिल्कुल सही कहा मैम आपने, क्योंकि जब हमने ट्रेलर का वो डायलॉग सुना जिसमें आप कह रही थी कि इन धर्मांध पापियों से हिंदू बेटियों को बचाना होगा, तभी लगा था कि ये डायलॉग नहीं बल्कि दिल से निकली एक आवाज़ है. दूसरा, आपके साथ काजल हिंदुस्तानी जी भी है जो लगातार इन विषयों पर अपनी आवाज मुखर करती रहती है. काजल जी को तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी जब बात हो रही थी तो मैंने उनसे यही कहा कि सशक्ति, महिला सशक्तिकरण, मतलब मुझे इतना प्राउड फील होता है कि जब मैं एक औरत को देखती हूँ दूसरी औरत का साथ देते हुए, उनका उनको आगे बढ़ाते हुए, उन्हें बचाते हुए, तो मतलब सच में गौरवान्वित महसूस करती हूँ. और काजल जी के लिए मतलब सच में बहुत प्राउड है मुझे कि वो ऐसा मुद्दा लेकर आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत हमारे लिए सहायता कर रही है हमारी कि हम कैसे अपनी आवाज जो है आवाम तक पहुंचा पाए. शी इज द ग्रेट मीडियम विच वी हैव गॉट काजल जी. हाउ स्वीट, थैंक यू. बट विंध्या जी, अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इससे पहले राजीव भाई कोई सवाल करे, आपको आपके मनपसंद गाने की दो लाइन गा के हमारे दर्शकों को और हमें सुनानी होगी क्योंकि आपकी आवाज बहुत मीठी लग रही है सच में. बट मेरी फिल्म का ही गाना मुझे हम लोग दिन भर गाते रहते हैं, लेकिन मुझे मुझे गाना बहुत अच्छे से तो नहीं आता है, मेरी आवाज अच्छी है लेकिन मैं गा बिल्कुल नहीं पाती. देखिए आप इतनी प्यारी है ना, आपकी आवाज भी हमें प्यारी लगेगी, इसलिए प्लीज आप हमारे लिए इतना तो करिए. ठीक है, आप कह रही हैं तो बस आपके लिए काजल जी. तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है, तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है, मतलब ये जो इश्क की धुन है ये गाना सुपर हिट होने वाला, मैं आपको बता दे रही हूँ. तो थैंक यू सो मच. ये जो गाना बजेगा और हम लोग दिन भर ही गाना गाते रहते हैं और इतना बढ़िया और मेलोडियस गाना है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारा गाना है. राजीव जी आप बड़े लकी है कि आपके चैनल पर डायरेक्ट लीड एक्टर आई है. जी बहुत धन्यवाद, बल्कि आभार है कि आप दोनों देवियों का जो आप अपने बेहद कीमती समय में से समय निकालकर हमें और हमारे दर्शकों को अपना समय दे रही है. अब मैं काजल जी से भी एक सवाल करना चाहूँगा. सवाल ये है काजल जी, आपका इस मूवी का ब्रांड एम्बेसडर बनना और इसे जन जन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपने ली, जिसे आपने बखूबी न केवल निभाया बल्कि पूरे दिल से इसका प्रचार किया, तो मैम आपका ये अनुभव कैसा रहा? राजीव जी देखिए मैंने ग्राउंड पे लव जिहाद पे बहुत कार्य किए हैं और हमारे जो फिल्म के प्रोड्यूसर है राज भाई पटेल, तो एक चीज हम दोनों में ये कॉमन है कि राज भाई भी जो है वो हमारे गुजरात से है और मैं भी गुजरात से हूँ और गुजरात में और इंडिया में मैंने बहुत लड़कियों को रेस्क्यू किया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये स्पार्क लगा. और मात्र आप जानते हैं कि भारत में एकमात्र मैं ही एक ऐसी महिला हूँ जो दमखम के साथ सोशल मीडिया पे भी बोलती है, स्टेज पे भी बोलती है, ग्राउंड पर भी बोलती है और घर में जाके लड़कियों को रेस्क्यू करवा के आती है. तो वो मैंने पेन लड़कियों का बहुत क्लोजली महसूस किया है. राजा ये बात जानते थे और उन्हें लगा कि काजल जी से बेहतर इस फिल्म की कोई ब्रांड एम्बेसडर हो नहीं सकती, ऐसा उन्हें लगा था. एंड देन राज भाई पटेल जो हमारे प्रोड्यूसर है, विपुल भाई पटेल जो भी वो भी हमारे प्रोड्यूसर है, एंड हमारे डायरेक्टर विनोद भाई तिवारी, इन्होंने मुझे
ये प्रस्ताव रखा और मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि जो कार्य मैं ग्राउंड पे कर रही हूँ उसी कार्य को लेकर अगर ये फिल्म लेके आते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि उसको हर घर तक, हर लड़की के फोन तक पहुंचाने का। तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा ही लगा क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारी मिली और मैं अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः ईमानदारी से निर्वाह करूंगी और मैं मेक श्योर करूंगी कि बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए और ये फिल्म हर फोन तक पहुंचाई जाए। ईश्वर आपको इसमें जरूर सफल करे। साथी विंदा जी, आप इस मूवी के लिए हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेगी? देखिए, अब ट्रेलर में तो मैंने कह ही दिया कि बस नो मोर कन्वर्जन। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो समस्या है उससे हम सब छुटकारा पाए और खास तौर से जो हमारे देश के युवा हैं उनको ये संदेश पहुंचे हमारी इस फिल्म से। हमारा यही मुद्दा है और हमारे जो डायरेक्टर हैं विनोद तिवारी सर, उनका ये सपना है कि ये जो कहानी है ये हिंदुस्तान के हर एक घरों तक जाए और लोग इस बात को समझें, खासतौर से हमारे आज के जो युवा हैं वो इस बात को समझें। और इसीलिए उन्होंने ये इतनी खूबसूरत सी फिल्म बनाई, डायरेक्शन किया इस फिल्म का और तभी हम सब एक साथ यूनाइट हो पाए। सो आई थिंक विनोद तिवारी जी को हैट्स ऑफ कहना पड़ेगा कि उन्होंने इतना ऐसा मुद्दा, एक्चुअली देखा जाए तो ये मुद्दा उन्होंने ही सवार कर सब कुछ बनाकर हमारे सामने लेकर आए, तभी हमें लगा कि हम पार्ट हो सकते हैं। तो ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो ज्यादातर मैं यही कहूंगी कि क्रेडिबिलिटी उनकी है। ऑफ कोर्स राज जी, विपुल जी जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी जो राइटर है वंदना जी, इन लोगों ने, वही मैंने कहा कि हम तो एक्टर हैं, हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे के लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। और बस मुझे खुशी इस बात की है कि इस स्क्रिप्ट ने मुझे चुना है। और साक्षी मिश्रा मेरे दिल के बहुत करीब है, वो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ट्रेलर में भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया होगा जिस तरीके से मैंने इमोशंस को व्यक्त किया है। लेकिन हाँ, ये फिल्म कोई आप ऐसा नहीं आपको लगेगा देखकर कि कंट्रोवर्सी के लिए बनाई गई है या हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सी लव स्टोरी है जहाँ पे इस लड़की की जो पीड़ा है उस सब जितने भी लोग देखेंगे एक बार उनकी आंखों से आंसू जरूर आएंगे और उनको लगेगा कि नहीं, अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है। आप दोनों देवियों का रंग दे बसंती के इस मंच पर समय देने के लिए पुनः एक बार फिर से आभार। विंदा जी को मूवी की अप्रत्याशित सफलता के लिए हमारे सभी दर्शकों की ओर से दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही दर्शकों से पुनः निवेदन करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में मूवी के ट्रेलर का लिंक है, उसे भी आप खूब शेयर करें और विंदा जी और काजल जी के स्पेशल एपिसोड को भी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं विंध्या जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, भारत माता की जय। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम।